जय साईं राम। नमस्कार, मैं बृजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। अब हम बात करेंगे 15 अक्टूबर 2020 के उपाय की। 15 अक्टूबर 2020 को गुरुवार का दिन है, आप जानते हैं। गुरुवार यानी गुरु की शक्ति देने का दिन, गुरुवार यानी गुरु का आशीष लेने का दिन। इस दिन आप गुरु का आशीष आराम से प्राप्त कर सकते हैं। गुरुवार हमें बहुत शक्ति देता है, परमात्मा का आशीष मिलता है, गुरु का आशीष मिलता है, इसलिए इस दिन का महत्व आप अच्छी तरह से समझ लीजिए और इस दिन उपाय अवश्य किया कीजिए। मेरे पास आज एक दंपति आए जिनको किसी ने वहम डाल दिया था कि उनके निवास पर जो मंदिर है नहीं होना चाहिए, यानी पूजा रूम। कहते हैं कि किसी ने कहा, लाल किताब वालों ने किसी ने कह दिया है कि उनके घर में मंदिर नहीं होना चाहिए। मैंने उन्हें कहा कि मंदिर और पूजा रूम का पहले मेरे को समझाइए, फ़र्क क्या है। मंदिर वह होता है जहाँ पर मूर्ति की स्थापना होती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, और पूजा रूम वह होता है जो हमारे घरों में होता है। तो लाल किताब ने ये कहा है कि अपने निवास पर आप किसी मूर्ति की स्थापना मत कीजिए, प्राण प्रतिष्ठा मत करवाइए। वैसे ही आप कोई भी मूर्ति रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पूजा रूम होते हैं और पूजा रूम का होना कहीं भी निषेध नहीं है, आप पूजा कर सकते हैं। तो ये फ़र्क जो ज्योतिष नहीं समझते हैं वो लोगों में भ्रांतियाँ फैलाते हैं। समझ खुद को नहीं होती है और नुकसान दूसरों का हो जाता है। जो हमारे ग्रंथ, जो लाल किताब कहती है, वो ये कहती है कि बस आप पूजा रूम रखिए, मंदिर मत रखिए। तो आइए अब हम बात करें गुरुवार के उपाय की। आज आपने 5 केले, कम से कम 5 केले, या फिर 1 केला ले लीजिए, वैसे यदि 5 ले लें तो 5 केले आज आपने दान करने हैं। चाहे आप एक व्यक्ति को दे दीजिए, चाहे 5 को दे दीजिए, यानी एक एक किला एक एक व्यक्ति को दीजिए, चाहे एक को ही 5 दे दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंदिर में भी दे सकते हैं, गाय को भी खिला सकते हैं। ये बहुत प्रभावशाली उपाय है, आपको बहुत अधिक लाभ देगा। आप जानते हैं कि हमारे संस्थान में लक्ष्मी यंत्र तैयार किए जा रहे हैं दीपावली पर, तो मैंने उसका वीडियो भी डाला है, आप भी उसको देखिए। और यदि आप चाहते हैं कि आप अपने निवास पर लक्ष्मी यंत्र रखें, क्योंकि ये दीपावली कुछ विशेष महत्व रखती है, तो आप अपना ऑर्डर अभी बुक करवाएं, ये बहुत विशेष रूप से आपको लाभ देगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके निवास पर खाना बनता है, खाने के टेबल पर सभी बैठते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो आपने क्या करना है। आपने करना है कि जब भी आपके निवास पर नमक आता है, नमक के पैकेट को अपने हाथ में लेकर 108x5 यानी 5 माला अपने परमात्मा, अपने गुरु के नाम के सिमरन करनी है, फिर उसको डिब्बे में डालना है। अब आप जब भी खाना बनाएंगे तो आपके निवास पर झगड़ा नहीं होगा, सुख शांति रहेगी, प्रेम रहेगा और सभी आपस में मिलजुल कर रहेंगे। यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो कृपया व्हाट्सएप कीजिए, और यदि आपका कोई सवाल है तब भी व्हाट्सएप कीजिए। जन्म कुंडली एक ऐसा शब्द है जिसमें आपका पूरा भविष्य छिपा हुआ है। जन्म कुंडली से आप जान सकते हैं कि आपको क्या क्या मुश्किलें आने वाली हैं और उनका निवारण कैसे किया जाए। ज़रूरत होती है योग्य ज्योतिषाचार्य की। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने का अर्थ है हमारे सभी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो अब मैं यहाँ आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय साईं राम। नमस्कार, मेरे ई